नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं YouTube के कुछ टिप्स के बारे में। जी हां दोस्तों, देखिए यह है मेरे पास Google का AdSense पिन। दोस्तों आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि दोस्तों ये कैसे आता है, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, और दोस्तों इससे पहले हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जब जो हमारे एड्रेस पर भेजा जाता है। कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब तक आप अपने गूगल यूट्यूब अकाउंट में जब तक आप अपने AdSense अकाउंट में ये पिन वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आपके YouTube का कोई भी पैसा आपके पास नहीं आया। क्योंकि दोस्तों यही जो मेन चीज़ होती है, जब तक दोस्तों ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका YouTube पर वीडियो बनाना बेकार है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब तक YouTube पर सबसे पहले हमें अपने चैनल को मोनेटाइज कराना होता है। मोनेटाइज कराने के बाद दोस्तों हमें अपना गूगल एडसेंस जो होता है दोस्तों उसमें हमें अपनी आईडी वेरीफिकेशन पूरा करना पड़ता है। जब हमारी आईडी वेरीफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों हमारे एड्रेस पर जो हमने एड्रेस डाला था उस पर एक गूगल पिन आता है। दोस्तों इस पिन को वेरीफाई कैसे करते हैं, जब ये पिन आया था इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो काफ़ी बन चुकी है, बट दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ 2021 जून में। दोस्तों लेटेस्ट तरीके की वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें दोस्तों आपको एकदम न्यू जानकारी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं, वो काफ़ी टाइम पहले की हैं, बट अभी दोस्तों YouTube पर आपको ये पिन वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा, एकदम सरल। जैसे दोस्तों आपके जब भी आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े इस पिन को वेरीफाई करने की तो आपको कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कैसे आप अपने एडसेंस अकाउंट में इस पिन को वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरे पास गूगल एडसेंस पिन, जो दोस्तों मेरे पास गूगल एडसेंस की तरफ से आई है। दोस्तों आज मैं आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में इसमें दोस्तों जो पिन है उसको वेरीफाई करके बताऊंगा कैसे आप 2021 में इसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और आपके पास दोस्तों जो पिन आ चुका है तो कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब तक दोस्तों आप इसमें दोस्तों जो पिन है उसे आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका एड्रेस गूगल एडसेंस अकाउंट में वेरीफाई नहीं होगा और आप उससे आगे का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूं, और उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों जो पिन है वो आपको अपने एडसेंस में एकदम लाइव पिन वेरीफाई करके बताता हूं कैसे आप कर सकते हो, वो दोस्तों एक इजी तरीके के साथ। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने बताया कि आपको अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पर जाकर कुछ ऑप्शन आते हैं तब जाके आप कर सकते हो, बट दोस्तों मैं आपको एकदम डायरेक्ट दिखाऊँगा कि आप कैसे एकदम सिंपल तरीके से अपने इस पिन को वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहले मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को उसमें इस पिन को निकालता हूँ तो आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको अपना एडसेंस अकाउंट का दोस्तों जो ऑप्शन है वो उसे ओपन नहीं करना, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको दोस्तों कहाँ जाना है, आपको जाना जीमेल में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जीमेल वाले जो एप्लीकेशन होती है उसको ओपन करना है। तो दोस्तों जब आपके गूगल पिन जो होती है उस जो दोस्तों आपके एड्रेस पर आती है पिन, उससे पहले दोस्तों हमारे पास एक मेल आता है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो दोस्तों देखिए मेरे पास ये मेल पड़ा हुआ है जो दोस्तों 15 जून को आया था, और आज है दोस्तों 27 जून। जब दोस्तों ये मेरे पास ये पिन आया है तो दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर ये पिन मेरे पास आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल एडसेंस अकाउंट दोस्तों वो उसे ओपन नहीं करना, आपको डायरेक्टली इसी ईमेल को दोस्तों मेल को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है नीचे आ गए, देखिए वेरीफाई योर एड्रेस, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली यहीं पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपको क्रोम सेलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके दोस्तों मोबाइल में डायरेक्टली आपका दोस्तों जो एडसेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा दोस्तों उसी पेज पर जाके, यहाँ जिस जगह दोस्तों आपको अपना पिन वेरीफाई करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करोगे तो दोस्तों फिर आपको वहाँ पर कई तरह के ऑप्शन आएंगे, फिर वहाँ जाकर दोस्तों आपको अपना पिन सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट दोस्तों आप जब यहाँ से क्लिक करोगे मेल में जाके तो दोस्तों डायरेक्टली आप उसी पेज पर पहुँचोगे जहाँ दोस्तों आपको अपना पिन सिलेक्ट डालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और वेरीफाई क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे जो पिन मांग रहा है इंटर योर पिन, आपको जो पिन मिला था दोस्तों जो 6 नंबर का होता है आपको वो पिन यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका दोस्तों जो पिन है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ 3 चांस मिलेंगे पिन डालने के। अगर आपने 3 बार पिन गलत डाला तो फिर दोस्तों ये गलत हो जाएगा और आपको फिर से अपना पिन मंगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना पिन डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पिन डाल दिया है, और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए मैंने इसे ब्लर कर दिया थोड़ा, और दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ
मेरा दोस्तों ये यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि योर बिलिंग एड्रेस एक सक्सेसफुल, आपने भी देखा था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट काम रह जाता है अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का कि आपको, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मैसेज आ रहा है कि योर पेमेंट आर करेंटली और होल्ड क्योंकि बिकॉज आपका वेरीफिकेशन एड्रेस अभी सक्सेस नहीं हुआ है। बट दोस्तों मैंने अभी कर दिया है। तो दोस्तों ये जो मैसेज है, अगर आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया उसके बाद दोस्तों ये मैसेज आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि दोस्तों ये आता रहता है, जो कुछ टाइम बाद अपने आप पड़ जाएगा। आपने सेम इसी तरीके से अपना एड्रेस वेरीफाई करना है दोस्तों, मैंने किया था क्योंकि दोस्तों मैंने कोई भी अपने फ़ोन में गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं खोला, मैंने डायरेक्टली उसी मेल पर क्लिक कर दिया जो मेल मेरे पास आया हुआ था पिन भेजने से पहले। तो आप वहीं से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब दोस्तों इसको करने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इसमें एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो और उसको ऐड करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होती है कि आपका अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए और उसमें दोस्तों हमें क्या क्या फिल करना पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं पर दोस्तों मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो दे रहा हूँ वो दोस्तों लेटेस्ट जानकारी है 2021 की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपने एड्रेस पर पिन कैसे मांग सकते हो और इस पिन को अपने एडसेंस अकाउंट में कैसे वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।